तो है गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं अंधारी देवरी घूमने, जो कि ब्यावर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन हम ब्यावर होकर नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। लगभग वही होगा 1-2 या 3 किलोमीटर। तो हम वहाँ पे चल के आपको बताते हैं कि कैसा लोकेशन है और वहाँ पे क्या होता है। तो श्री सीमेंट है अंधारी देवरी, तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं। तो चलो गाइस, तो फाइनली गाइस अभी हमारे पास एक लैंप भी है और अभी हम दोनों जा रहे हैं, तो और कोई नहीं है। ओम अभी आई हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि रास्ता पीछे का चेक करो एक बार लोकेशन, और मैं सामने की तरफ भी आपको बताऊंगा। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आ रहा एक और ब्लॉगर, तो उसका भी चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। और इसी के पास में एक भव्य माता जी का मंदिर है, और वहाँ पे मतलब नाइट का लुक काफी खतरनाक है। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो मैंने ऊपर दिया हुआ है, तो आप गाइस अभी हम यहाँ पे आपको 1-2 स्टैंड मार के बताऊंगा। मैं मेरे को कुछ स्टैंड आते हैं वो, देख लिया होगा मंदिर यहाँ पे हनुमान जी का। और यहाँ भी देख लो पानी का कलर। और अभी इधर का सीन देखो, हनुमान जी का बड़ा सा मूर्ति देखो उस साइड। और आप अभी आगे चलो, ऊपर चलो, आपको ऊपर भी बताते हैं। तो अभी हम ऊपर की साइड आपको बताएंगे, तो आ जाओ गाइस, ब्लॉग के अंदर बने रहे, ब्लॉग में काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी यहाँ पे लाइट भी देख सकते हो आप, काफी अमेजिंग लाइट है। तो अब हम ऊपर आ गए हैं और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ से चारों साइड का नज़ारा, यहाँ से लुक कितना अच्छा आता है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, बहुत शानदार लोकेशन है, और कभी आओ आप घूमने। ओके तो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का ऊपर का लोकेशन का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे आप चारों साइड देख सकते हो, आप कभी आना यहाँ पे घूमने। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग घूमने आते हैं बहुत ज़्यादा दूर से। कभी आप भी आना, मैं लोकेशन दे दूँगा आपको। लाइट चेक करो, ये पुराने जमाने की लाइट है, मेरे को कमेंट करके बताना कि ये लाइट कौन सी है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, इनका नाम से भी लिखा है, मेरे को नहीं पता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ट्राई कर दो, रोटेट बना लो, बस आ जा, ये काम कर दो, अरे रहने दो, अच्छे बाद में और बनाएंगे खाना वाला घर पे।
अब ये कौन सा खेल है फिर से? गाइज यहाँ पे एक और गेम बना रखा है जो फ्री टाइम में आके यहाँ पे आनंद ले सकते हैं, जिसका क्या है बना रखा है, शतरंज। शतरंज गेम है ये। खेला क्या आपने कभी? भाई हम तो लोगों के साथ खेलते हैं तो अभी छोटे लोग हैं कभी भी। अब ये और क्या नई चीज देखने को मिलेगी अपन? वाओ यार देखो ये पूरा लकड़ी का जैसे बना रखा है, यहाँ पे बैठने का सीट है। देखो गाइस क्या डिजाइन दे रहे हैं, बताता हूँ गाइस। और यहाँ आप इस तरीके यहाँ पे बैठ भी सकते हो और ये पूरा पूरा लकड़ी से बनाया गया है और काफी खतरनाक इसकी डिजाइन की गई है। और इधर एक ये इधर झूला है, झूला है जहाँ पे झूल रहे हैं। और यहाँ पे एक कुआ है, चलते है कुएं के ऊपर। और गाइस ये सच्ची का कुआं है या भाई ऐसे ही है? लग तो सही है ना भैया। भाई इसको मत छेड़, अभी गांव वाले आएंगे फिर मारेंगे हमारे काम लेंगे। इधर झूला है, ये काफी आनंद के साथ झूल रहा है। और यहाँ पे जो पत्थरों में पानी आ रहा है और काफी रंग बिरंगी लाइटें लग रही है, सात कलर की, तो शतरंज की लाइट बहुत अच्छी लग रही है। बस ये चीज़ मेरे को ना यहाँ पे फिर से मिल गई। आप मेरे को कमेंट करना कि ये कौन सी चीज़ है जो पुराने टाइप के लोग होते हैं ना वो यूज करते थे इनको नाइट में। और गाइस फिर से ये गेम आ गया यहाँ पे, गाइस वही गेम है सेम टू सेम, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है। लूडो वाला गेम, लूडो ये है, लूडो गेम। और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है अच्छी सी, जो पूरी लकड़ी से बनी है, ब्लॉक के अंदर बना रहे, ब्लॉक में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो और यहाँ पे फिर से एक और गेम जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ ये गेम भी। और यहाँ पे बैठने के भी है, यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं। तो छोड़ो इन सबको, तो वैसे है कौन सा गेम मेरे को तो पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। राम राम सा, राम राम सा, कंचा खेलने रही ठोर फ्री। देखो कितनी मारवाड़ी प्यारी भाषा में लिख रखा है इन्होंने। यहाँ पे ना खेलने का कोई पैसा वैसा नहीं लग सकता, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ अस्त्र में लिखा है नीचे की बिल्कुल फ्री है। तो आप आना और खेलना आराम से, हम कभी जाएंगे। ये एग्जिट द्वार है, मतलब वापस निकलने का। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारी पब्लिक आती है। यहाँ पे सड़क भी है तो कार जा रही है यहाँ पे। और अभी इधर भैया का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इस व्लॉग को इतना सपोर्ट करना, इतना सपोर्ट करना कि मजा आ जाए। उधर कुछ पेड़ पौधे और काफी अच्छा है। और इधर का भी लोग देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। और उस तरफ उस साइड की तरफ पे एक मंदिर, और इधर भी ये रास्ता है सीधा। और यहाँ पे कुछ गर्ल्स फोटो वोटो खींच रहे हैं। और ये है इसका लोकेशन, देते तो मैं ब्यावर से 5 किलोमीटर है ये, मतलब दूर है ब्यावर से 5 किलोमीटर। और गाइस वहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, सब साफ अस्त्रों में लिखा है। और आप इधर भी देख सकते हो काफी अच्छा लोकेशन है। और ये हमारी श्री सीमेंट है जो बहुत बड़ी है, यहाँ पे सीमेंट बनती है भैया। बिल्कुल तो बता दो यार थोड़ा बहुत। यहाँ पे सीमेंट बनती है, फिर सीमेंट मतलब जैसे अपने घर वर बनाते वहाँ सप्लाई होती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मतलब बहुत बड़ा प्लांट है। तो गाइस इसका ना जो मेन द्वार इधर से एक गेट और दूसरा गेट उस साइड से है भैया, उस साइड से। अगर आपको पार्ट टू देखना है तो वीडियो को फुल वॉच करें, तो मैं जल्दी पार्ट 2 दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे ये ट्रक आ रही है, सामान है इसके अंदर, आप देख सकते हो गिट्टी ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है। और ये पीछे तस्कर जा रहे हैं रेंजर। तो गाइस अभी ये भैया मेरे को लेने आ गए हैं, मैंने भैया को कॉल किया था। हाँ भैया कहाँ से हो, यहीं से हो? भैया मुस्कुरा रहे, देखो क्या हुआ, कैमरा बंद कर दूँ क्यों, क्या हुआ आपको, कोई तकलीफ हो रही भैया? भैया को थोड़ी बहुत शर्म आ रही है। भैया आप मेरे को लेने आए हो ना, मैंने आपको कॉल किया था। मैं ही हूँ, और कौन है? क्या तो RDX में ही तू, और कौन है आपको पता नहीं है? अरे भाई के साथ प्रैंक कर लिया यार। तो गाइस हमने भाई के साथ प्रैंक कर लिया था, हमने ही RDX भाई किसी और को लेने आए भाई। कोई ना भैया कुछ बोल दो यार। क्या बोल रहे, कुछ बोल दो और क्या बोलो, कौन चला रहा है? तो गाइस भाई तो कुछ देख रहा है, सब्सक्राइब करो। तो आप समझ लेना भैया क्या देख रहे, जो यार देखो आप कितनी घटिया सोच है ना आपने, इधर पार्किंग है। रुको गाइस आपकी ना इतनी घटिया सोच है, भैया क्या देख रहा है, इंस्टा पे रील्स देख रहा है और क्या देख रहा है, आप तो कुछ और ही समझ लिया। और इधर है पार्किंग, कार वार बाइक वाइक खड़ी कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी हम क्या कार लेके आए तो अभी हमें तो आपको दिखाई दे रही है, तो हमने कही वो ब्लैक वाली कार। तो ये मोटरसाइकिल दिख रही है, तो अभी हम चलते हैं।
तो गाइस अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।